लदाउस पे शरण लेता गमार रसीस बदगा मोहम्मद मूसा कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू आज इसको लेते हैं करगिल्ला दिरिंग वाटर क्वालिटी लेबोरेटरी गोजुक बसिन यादु में मा के ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जमल लिखे हो फिर जे जे एम जल जीवन मिशन लास्ट एंड डूल रिटंग दे चाम से प्रोग्रेस यरिया जो सो दोन इसको ला तचा जिन चुक दर सक चाम से यूल डूब से या मडिक पैद न गो गो मडिक पैन चुदोन इसको ला असके ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो दिन चुक तचा से चूस पे तचा दुस के जल जीवन मिशन दर लास्ट एंड चाम से कामयाब चिन्ह चाम से डूबे दुख दैन उन्हें करगिल ला लेकिन नक्सबर दो तंग दिका अजीत कुमार साहू यानी कमिश्नर सेक्रेटरीज नच नगरा गंची दी चौशेक मोल बस ये जल जीवन मिशन में क्वालिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके लिए जो है हमने कम्युनिटी का कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया है और हर गांव में हर पंचायत में फील्ड टेस्टिंग किट मुहैया कराए हैं और हर गांव के जो कमेटी है उनको हमने टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी है। लेकिन वो जो ट्रेनिंग है वो जो टेस्टिंग होती है वो हर तरह की टेस्टिंग वहाँ नहीं होती, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो BIS 10,500 स्टैंडर्ड का जो पानी है वो सभी जगह से मिलता रहे, सभी उसको उस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाए, इसलिए एक अलग कमिश्नरेट जो है क्वालिटी मॉनिटरिंग का बनाया गया है और उसके लिए पूरी एक चेन जो है लेबोरेटरीज़ की हम खोल रहे हैं। पूरे लद्दाख में 10 लेबोरेटरीज़ हमारा प्लान है और 5 जिसमें कि कारगिल में है, इसमें एक मोबाइल लेबोरेटरी भी होगी। तो इसमें जितने भी बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग और केमिकल जो कंटामिनेशन है उसकी टेस्टिंग का प्रावधान है, उसके लिए जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सभी परचेज हो गए हैं। उसके अलावा जो हमारे इस लेबोरेटरीज़ को चलाने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है, केमिस्ट की ज़रूरत है, उनकी हायरिंग भी हो गई है, उनकी ट्रेनिंग एक हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से कराई है और अभी एक टीम हम भेज रहे हैं गुजरात में उनकी ट्रेनिंग के लिए। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होगी मेरे ख्याल से 2 वीक्स की, तो उसके बाद हम पूरी तरह से तैयार हैं। फिर इन सभी लैब्स का NABL एक्रेडिटेशन भी होना है और जिसके लिए हमने अप्लाई कर दिया है। एक्रेडिटेशन आते ही हमारा सारे जो है वो लैब्स की एक्रेडिटेशन हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एक साल पहले ही हमने सभी जो लेबोरेटरीज हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है उनको नोटिफाई किया है कि कोई भी व्यक्ति अपना जिसको ये लगता है कि उसको अपने पानी का टेस्ट कराना है उसको यहाँ पर आकर के प्रिस्क्राइब्ड फ़ी दे करके टेस्ट करा सकता है। इसके अलावा हम लोग साल में हर सोर्स का 2 बार हम वाटर टेस्टिंग करते हैं, सैंपल टेस्टिंग कलेक्ट करके इनमें बैक्टीरियोलॉजिकल और केमिकल कंटामिनेशन की टेस्टिंग करते हैं और साथ ही साथ में फिर डिलीवरी पॉइंट्स जितने हैं तो उन डिलीवरी पॉइंट्स पे भी जो है रोटेशन पर सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उनकी टेस्टिंग कराई जाती है। और ये सारा जो टेस्टिंग का रिजल्ट होता है वो एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको हम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, उसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। तो उस टेस्टिंग की रिपोर्ट को उस पर अपलोड किया जाता है जिसको भारत सरकार के एजेंसी भी उसको और मिनिस्ट्री भी उसको मॉनिटर करती है, हम लोग भी मॉनिटर करते हैं और जहाँ कहीं भी क्वालिटी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट होती है तो उस पर हमें इमीडिएटली कार्रवाई हम करते हैं। सर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो रहे हैं जेजेएम को लेके, तो सेशन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया जाएगा? देखिए जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और यह बहुत ज़रूरी होता है कि हर प्रोग्राम को हम जो है जब भी समय मिले उसकी रिव्यू करें, देखें कि हमारा डायरेक्शन ठीक है नहीं है, हमारी क्या कमियां रह गई हैं, तो उनको हम इंटरनली इवैल्यूएट करें और उसमें अपने लोगों को उनको हम बताएं कि इसमें ये हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसी सिलसिले में ये ट्रेनिंग रखी गई है क्योंकि गर्मियों में जो है हमारे लोग बिजी होते हैं, उनको फील्ड में काम करना होता है, तो यही एक सर्दियों का मौसम होता है जिसमें हम ट्रेनिंग्स करते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली जितना काम किया गया है उसका एक डिस्कशन किया जाएगा, जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और कुछ नया किया है, इनोवेशन किया है, तो उसको डिस्कशन किया जाएगा ताकि उससे दूसरे जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो भी सीखें और साथ ही साथ में जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए इस पर डिस्कशन किया जाएगा कि उनको हम कैसे एड्रेस करें। कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, कोई मैनेजेरियल सोल्यूशन है, तो उस पर डिस्कस
किया जाएगा, और जो नई जो डायरेक्शंस हैं उनको भी हम लोगों अपने जो फील्ड स्टाफ है उनके तक पहुंचाएंगे। करगिल कस्बे के बीचों बीच पढ़ाई का बेहतरीन माहौल ले आया है सिलसा लाइब्रेरी, जहां 24 घंटे बिजली और गर्मी के साथ साथ हाई इंटरनेट का भी होगा इंतजाम। इसके अलावा सीसीटीवी, प्यूरिफायर वाटर, न्यूज और मैगजीन का सहूलियत भी होगा सिलसा लाइब्रेरी में। अब आप अपने ही शहर में कर सकते हैं यूपीएससी, एसएससी, नीट और डीएसएसआरबी के इम्तिहानों के लिए। जब एक ही छत के नीचे मुनासिब दाम पर मिल रहे हैं ये सारी सहूलियत, तो देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए अपना बुकिंग। इनका पता हाजरा सिंप्लेक्स नियर एचडीएफसी बैंक करगिल। मजीद तफसीलात के लिए नंबरात पर राबिता 6005731-881-9541-67-4017। नची यूट्यूब एनालिटिक्स जिरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन चुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो तेन सुख रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमांग सुनला ज्वाइन दी चैनल पॉल सब्सक्राइब बाजार।